जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट लेक्चर 81। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। 81 ही है ना, मॉर्निंग वाला 80 था। हाँ, ये 81, ठीक है। तो आज का ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर के, चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करने हैं हमने। तो आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के। करें जी स्टार्ट। अच्छा, किताबें बंद कर दे अब ये सिर्फ आपसे कंसर्ट पूछ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। ब्रीफली डिस्क्राइब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग एक्टिविटीज स्प्रिंग 2014। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्लानिंग एक्टिविटीज। जी मेरे भाई, आप बताइए क्या एक्सेप्टेंस है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज हैं? एक्सेप्टेंस एंड कंटीजेंस प्रोसीजर्स और एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और प्लानिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज? एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग ऑडिट प्लान। शाबाश। ऑडिट स्ट्रेटजी कह लें या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन 2, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 रिवाइज्ड प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स, यानी ISA 300 कह रहा है किसी ऑडिट के किसी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेट एन ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट। कि ऑडिट परफॉर्म करने से पहले ऑडिटर को उसे प्लान भी करना चाहिए, यानी प्लानिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए ऑडिटर। बिल्कुल। कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एन ऑडिट। क्यों अहम है ऑडिट प्लान करना? कंसेप्ट कौन सा है? पहले कंसेप्ट मेन हेडिंग बता दे। बेनिफिट्स ऑफ, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एन ऑडिट। अच्छा, इस चैप्टर में हमने दो बेनिफिट्स मेरे हाल है स्टडी किए हैं। एक है प्लानिंग के एडवांटेजेस और एक है इंटरिम ऑडिट के एडवांटेजेस। दोनों को आपने लादा लादा रखना है, ठीक है। तो ऑडिट के प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? सिग्निफिकेंट एरियाज पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करता है ऑडिटर, टीम की एप्रोप्रिएट टीम की प्लानिंग करने में आसानी होती है कि किस तरह की टीम हमें लेके जानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल जाहिर है, हमने एक्सपर्ट के साथ कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। तो प्लानिंग करें तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कंपोनेंट ऑडिटर को इंगेज करना है और उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेनी है, या एक्सपर्ट को कब इंगेज करना है, उससे डॉक्यूमेंट्स कब लेनी है। ये सारी चीजें प्लानिंग कर में बेहतर तरीके से हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3। हाँ शाबाश, ये अहम क्वेश्चन। कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। 4 marks। इसका मतलब है इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हमने बतानी है। और फिर कह रहे आइडेंटिफाई द मैटर विच आर यूजली डिस्कस्ड और एक्सप्लेन्ड इन ईच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट। पहले डेफिनेशन, कौन बताएगा डेफिनेशन? शाबाश, आप बताइए डेफिनेशन। ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन। ऑडिट प्लान मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड इट इंक्लूड्स नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। ये पार्ट ए। पार्ट बी में कह रहे आइडेंटिफाई द मैटर विच यूजुअली डिस्कस आर एड्रेस। जी कौन बताएगा फैक्टर्स कौन कौन से हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स में? 50 rupees। 1, 2, 3। जी पहले स्ट्रेटजी के। जी सिर्फ हेडिंग्स बता दीजिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। शाबाश। फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमिनिंग इंटरैक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स, रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ। इन 5 factors में से सबसे मुश्किल आपको कौन सा वाला लगता है?
कौन सा वाला लग रहा है सबसे मुश्किल? पहला पहला कौन सा था? पहला कौन सा वाला? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिनेट स्कोप। पहले वाले के सिर्फ फैक्टर्स बता दीजिए हमें। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, शाबाश। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज, नीड ऑफ स्पेशल, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पहला। और इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? कौन से? के हमारे ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होगी, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कुछ दूसरी रिपोर्ट अगर हमने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है उसकी डेट क्या होगी, मीटिंग्स अगर मैनेजमेंट के साथ दो चार गवर्नेंस के साथ करनी है उनकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, ये रिपोर्टिंग डेडलाइंस में आएगा ना, रिपोर्टिंग में। और इसके अलावा कौन कौन से थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे स्कोप को डिटरमिन करती हैं, या दूसरे अल्फाज में ये बता रहा है कि आपके जो जिस जो ऑडिट करने जा रहे हैं उस क्लाइंट में उस एंगेजमेंट में कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि आपके काम को इफेक्ट कर रही होती हैं। कितना काम कर, दो चीज़ें, मटीरियलिटी और रिस्क। ये बेसिकली दो बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्कोप को, या यूँ कहना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ वर्क को इफेक्ट करते हैं, मटीरियलिटी और रिस्क। और इसके अलावा इंगेजमेंट को फैक्टर्स कौन से हैं? रिसोर्सेज और प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक, तो क्लियर हो गया ये क्या पूछ रहा है इसमें और हमने लिखना क्या है। चलिए, थ्री में कोई प्रॉब्लम? फोर, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एज पार्ट ऑफ डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। यानी कह रहे हैं ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी, भाई पहले कौन सी डॉक्यूमेंट डेवलप होती है? ऑडिट स्ट्रेटजी, फिर ऑडिट प्लान। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन दे रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द मैटर्स विच शुड जनरली बी कंसिडर्ड इन एस्टेब्लिशिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यानी इसमें ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में ही पूछा है उसने, लेकिन ये क्वेश्चन फोर क्वेश्चन थ्री के पार्ट बी से कैसे डिफरेंट है? हाँ, क्वेश्चन फोर में उसने सिर्फ एक एरिया के ऊपर फोकस किया है। किस एरिया के ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। तो उसी के पॉइंट लिखेंगे। ठीक, क्या पॉइंट है मेरे भाई, बता दीजिए। ₹50 इनाम। शाबाश, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज। आई नहीं बताना जी, नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, शाबाश। ठीक, तो फोर में सिर्फ उसने स्कोप के बारे में पूछा है। क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान? डेफिनेशन है इसमें। और पार्ट बी पढ़ने, अगर पार्ट बी में उसने इनके एलिमेंट्स नहीं पूछे हुए ना कि ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें लिखेंगे, अगर पार्ट बी में ये नहीं पूछा हुआ एलिमेंट्स, तो हम एक एक दो दो एलिमेंट्स पार्ट ए में भी इंक्लूड कर देंगे। डेफिनेशन देते हुए क्या उस डॉक्यूमेंट में जिन चीजों का जिक्र आएगा वो भी इंक्लूड कर देना चाहिए ना। हाँ, अगर उसने पार्ट बी में नहीं पूछे, लेकिन अगर पार्ट बी में उसने एलिमेंट पूछे हैं तो फिर पार्ट ए में सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, एलिमेंट्स को हम पार्ट बी में इंक्लूड करेंगे। बी, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी विच वॉज प्रीवियसली ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, इनिशियल ऑडिटर हमारा, बींग ए न्यू क्लाइंट, वट एडिशनल कंसिडरेशन वुड यू टेक इन टू अकाउंट वाइन परफॉर्मिंग द प्लानिंग एक्टिविटीज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। पहली चीज तो ये कि ये ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान के एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा, तो उसका मतलब यहाँ पे हम ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान को डिफ्रेंशिएट करते हुए डेफिनेशन के साथ एक दो एग्जाम्पल्स के तौर पे एक दो जो मैटर्स उनमें इंक्लूड किए जाते हैं वो भी लिख दें तो अच्छा है, लाजमी नहीं है लेकिन अच्छा है, बेहतर है। ये क्वेश्चन कौन सा है? एडिशनल प्लानिंग एक्ट। अच्छा, ये पहले सेंटेंस से हमें पता चल गया इनिशियल ऑडिट है, और फिर दूसरे सेंटेंस में व्हाट एडिशनल कंसिडरेशन व्हेन
पर वाइल परफॉर्मिंग द प्लानिंग एक्टिविटीज, एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज इनिशियल ऑडिट पे? एडिशनल प्लानिंग, ओ भाईजान, एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज इनिशियल ऑडिट पे क्या करनी पड़ती है? क्यों नहीं, क्यों क्लासेस मिस हो गई आपकी? जब क्लासेस हो रही थी तो क्या कर रहे थे आप जिसकी वजह से क्लासेस मिस हो गई? जी भाईजान, एडिशनल कंसीडरेशन इनिशियल ऑडिट में, एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स एडिशनल कंसीडरेशन है, ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन, डिस्कशन विद क्लाइंट रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन, कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर, और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्यों नहीं आप याद करके आते? फाइव में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स, योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डोर लिमिटेड द एंगेजमेंट। भाई पास पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट 2017 में आया था, ध्यान से पढ़। एक्सटर्नल डोर लिमिटेड, द एंगेजमेंट पार्टनर हैव प्लान्ड ए मीटिंग विद द ऑडिट टीम टू डिस्कस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड फाइनलाइज द ऑडिट प्लान। एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कस करना चाहते हैं। रिक्वायर्ड लिस्ट द प्लानिंग एक्टिविटीज विच यू वुड नीड टू डिस्कस विद द एंगेजमेंट पार्टनर रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कैसे पता चला? प्लानिंग के लफ्ज, इनिशियल ऑडिट था ये कैसे पता चला? फर्स्ट, और प्लानिंग एक्टिविटीज लिखनी है ये कैसे पता चला? लिस्ट द प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी तो चैप्टर 9 पढ़ा है ना, तो आपको पता है जो भी क्वेश्चन आया आएगा चैप्टर 9 से। ठीक है, लेकिन जब सारा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं और रैंडमली क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं ना, तब आपके असल नॉलेज का टेस्ट होता है। क्या पहचान पाते हैं कि नहीं कि कौन सा टॉपिक लिखना है? क्वेश्चन 6 है, आफाक एंड कंपनी हैज बीन, ये तो लेटेस्ट तकरीबन स्प्रिंग 21 का। आफाक एंड कम, अच्छा इसके फौरन बाद जो अगला सवाल स्टूडेंट के जहन में आता है, इसका मतलब है अब नहीं आना, ये इसको छोड़, इसका मतलब है अब नहीं आना, इस ट्रेंड में तो नहीं आने लगा। आफाक एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एथेरियम लिमिटेड ईयर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इन द एजीएम। हैज बीन अपॉइंटेड, अपॉइंट हो गए। रिक्वायर्ड लिस्ट द एडिशनल मैटर्स that you should consider in the first year of EL's audit. Additional audit procedure? नहीं, इसमें इसमें एक मिनट, पहले तो first year of audit से पता चल गया initial audit है। Additional matters से क्या मुराद है इसकी? Planning का लफ्ज़ तो उसने include नहीं किया, planning का लफ्ज़ तो include नहीं किया उसने। तो हमारे पूरे ऑडिट में सिर्फ एक ही जगह पे उसने एडिशनल का वर्ड यूज किया है कि इनिशियल ऑडिट में ये काम एडिशनल करना है, इनिशियल ऑडिट में ये काम एडिशनल करना है, एडिशनल, और वो कौन सा है? प्लानिंग एक्टिविटीज है। तो प्लानिंग, अच्छा मुझे ये बताइए इसमें क्या सारी प्लानिंग एक्टिविटीज जो इनिशियल ऑडिट में की जाती है वो बताएंगे या सिर्फ एडिशनल वाली? एडिशनल वाली जो कि वही है जो भी हमने डिस्कस किया है, दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी उसने इसको बनाने की कोशिश की, वर्ड प्लानिंग इंक्लूड नहीं किया उसने रिक्वायर, ताकि स्टूडेंट को क्लियरली अंदाजा ना, उसे थोड़ा जज करना पड़े, उसे अंदाजा लगाना पड़े। लेकिन हमें एडिशनल के वर्ड से और फर्स्ट ईयर के वर्ड से पता चल गया, एडिशनल के वर्ड से और फर्स्ट ईयर के वर्ड से पता चल गया इन दो अल्फाज से कि कंसेप्ट कौन सा पूछ रहा है। सेवन, ब्रीफली डिस्कस द की बेनिफिट्स व्हिच मे अराइज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वर्क बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। इंटरिम और फाइनल ऑडिट का फर्क, जी आप बताइए क्या डिफरेंस एंड एडवांटेज के?
एडवांटेज पूछ रहा है, डिफरेंस है, हाँ बेनिफिट्स की, बेनिफिट क्या बेनिफिट्स हैं, अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट होता है, अर्ली रिपोर्ट कैसे मिल जाती है उनको, क्योंकि कुछ काम उसने इंटरिम ऑडिट पे कर लिया होता है तो फाइनल ऑडिट पे काम जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे सेशन एंड होने से पहले आप एक दफा सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, बुक कंप्लीट कर लेंगे, तो आखिरी महीने में रिवीजन आप जल्दी कर सकेंगे, लेकिन अगर आखिरी महीने में लेक्चर्स भी पेंडिंग होंगे तो फिर रिवीजन तो लेट होगी ना, अगर हुई तो। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द मेन ऑडिट प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट ऑफ ए लार्ज एंटिटी। इंटरिम और फाइनल ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या हैं जी मेरा भाई? 100 रुपीज, लेकिन एक भी प्रोसीजर अगर इंटरिम का फाइनल में गया ना, या फाइनल का इंटरिम में आया, तो फिर प्राइज नहीं मिलेगा। हाँ पॉइंट्स है, एक दो कम बता दें जी मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, कोई गलती तो नहीं कर रहे भाई, किताब तो नहीं खुली, आप ये देखें। अच्छा बताएं, शाबाश, पहले कौन से बता रहे हैं, इंटरिम या फाइनल के? इंटरिम के। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड असेसिंग इनहेरेंट रिस्क, इंटरिम ऑडिट के पॉइंट है, शाबाश। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन। बैलेंस शीट की क्यों नहीं टेस्ट करते हम इंटरिम? क्योंकि बैलेंस शीट की तो फाइनल डेट पे चेंज हो जाएगी सारी, शाबाश। आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम विच में इफेक्ट फाइनल ऑडिट, शाबाश। चले ठीक, नहीं कोई बात नहीं, चार छह में से चार भी बता दिया तो काफी है, बट ठीक है, नहीं मिस क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल ऑडिट, कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेजेस, इन्वेंटरी अकाउंट, रिव्यू ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न रिव्यू, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड बैलेंस, और हाँ सबसिक्वेंट इवेंट्स बिटवीन, सॉरी सबसेंटिव प्रोसीजर बिटवीन इंटरिम डेट एंड फाइनल, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा इन्होंने 50 वाले किधर गए? दो क्वेश्चन पे इन्होंने दो प्रोसीजर बताए जो के फाइनल ऑडिट पे परफॉर्म किए जाते हैं। एक प्रोसीजर उन्होंने ये बताया, एक था कंफर्मेशन लेटर सेंड करना और दूसरा था इन्वेंटरी काउंट, ये दोनों फाइनल ऑडिट। क्वेश्चन मेरा ये है, नॉर्मली ये दोनों प्रोसीजर ये रेंड पे यानी फाइनल ऑडिट डेट पे ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन इंटरिम डेट पे भी किए जा सकते हैं दोनों, ठीक है। इन्वेंटरी वेरिफिकेशन भी, फिजिकल और एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भी सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये दोनों प्रोसीजर इंटरिम डेट पे परफॉर्म किए जाएं, तो फिर फाइनल ऑडिट पे क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, दोनों के बारे में बता। नहीं हाथ उठाइए पहले, प्राइस वाला क्वेश्चन, हाथ, 1 2 3 4 जी, दोनों बताने हैं तो प्राइस, एक में प्राइस नहीं है। इंटरिम डेट पे स्टॉक काउंट हुआ तो उसके बाद इंटरिम डेट और फाइनल डेट के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनकी समरी ऑब्टेन करेंगे क्लाइंट से कि क्या सेल और परचेजेस हैं, और दूसरा कौन सा पॉइंट है? नहीं नहीं अभी ये पूरा नहीं हुआ, बस नहीं 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 सिर्फ क्लाइंट से डिटेल ले लेंगे, क्लाइंट कहेगा सर ये 10 लाख की परचेज हुई है और 8 लाख की सेल हुई है, हम कहेंगे बेहतरीन। नहीं 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 दोबारा उनको सेंड किया जा सकता है, ये कंफर्मेशन का प्रोसीजर था, इन्वेंटरी का नहीं है। ना 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 जी भाई,
पहले का इन्वेंट्री का इंटरिम और फाइनल का जो डिफरेंस है, क्लाइंट से उसकी पहले डिटेल लेंगे, ठीक है, कि कितने सेल्स इंटरिम से उस पीरियड के दो महीनों की सेल और परचेज किया है, फिर क्लाइंट से उसका रिकॉर्ड सैंपल बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। अब और कोई नहीं बोलेगा, रिकॉर्ड का नाम बता दीजिए। आज सुबह के लेक्चर में यही बताया था ना, प्रोसीजर बताते हुए डॉक्यूमेंट्स को लाजमी लिखना, अजर्शन नहीं, डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स जो इन्वेंट्री रिसीव हुई है उसका जीआरएन चेक कर लेंगे, और जो सेल किया उसका गुड डिस्पैच नोट चेक कर लेंगे, सेल्स एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है, और ठीक है। अच्छा एक चीज, टेस्ट ऑफ डिटेल तो परफॉर्म कर रहे हैं हम, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो पहले किया होगा ना, वो शुरू के 10 महीनों का होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आखिरी 2 महीनों में आपने जो प्रोसीजर बताए वो तो करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करेंगे? हाँ, सैंपल के लिए करेंगे। बाई जाम बस कर दे यार, चुप कर जा, तेरी मेहरबानी। अच्छा, इसके बाद ये हो गए इन्वेंट्री के और कंफर्मेशन डेटर के भी, यही है जो न्यू डेटर है, जो जिनका ओल्ड वेरीफाई हो चुका है अकाउंट बैलेंस और न्यू में जो डिफरेंस है उसको वेरीफाई करने का कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे। बैलेंस एज ऑन इंटरिम डेट और बैलेंस एज ऑन फाइनल डेट का कंपैरिजन करेंगे, जिन पार्टीज का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा उनमें से सैंपल उनका सैंपल सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, प्रोसीजर कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे, उनको कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंफर्मेशन लेटर वो तो आखिरी था ना स्टेप, पहले आप उनका सेल इनवाइस चेक कर लेंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन सी होंगे? सेल इनवाइस, एग्रीमेंट, जीडीएन, ठीक है, ठीक है, चल ठीक है, शाबाश। और अगर फिर भी स्टिल एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके तो एंड पे दोबारा से कन्फर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हैं, ये हमने चैप्टर 14 में स्टडी किया था, शाबाश। तो क्लियर हो गया ये, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, ऑडिट कमेटी ऑफ नोरोज टेक्सटाइल लिमिटेड एनटीएल हैज आस्क्ड टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर विद इन ए मंथ्स टाइम and suggested the company to carry out interim audit to supplement final audit. Audit committee ने कहा है कि जी आप interim audit भी कीजिए ताकि एक महीने के अंदर अंदर audit complete हो सके. Required, explain the difference between interim and final audit. Definition, क्या definition interim audit की? हाँ, interim audit procedure perform किए जाते हैं before the year end, तो final audit में after the year. शाबाश, अब और कोई नहीं बोलेगा जी। आप मुझे ये बताइए, इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट, इसमें कौन से ऑडिट पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और किस पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? आप ऐसे नजर लेक्चर बताए, आपने और करना क्या होता है काम जिंदगी में? और भी घर वालों ने काम लगाया हुआ आपके जिम्मे? फाइनल ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और इंटरिम ऑडिट में? इंटरिम ऑडिट पे कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि दोनों एक ही ऑडिट के दो हिस्से हैं। शाबाश शाबाश। सेकंड, डिस्क्राइब एनी 3 प्रोसीजर विच कुड बी अंडरटेकिंग इन एन इंटरिम ऑडिट। पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल दो रिपीट करने की जरूरत नहीं। 10, ISA 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। Required, define materiality and determine how the level of materiality is assessed. जी मेरे भाई यार, आप हैं, हाँ जी आइंस्टाइन बने हैं मेरा भाई, जल्दी से बताएं जल्दी। अब ये ना पूछना क्या बताना है, जो अभी पढ़ा है वो बताना है। मटीरियलिटी की डेफिनेशन सुना दे मेरे भाई। ये भाई मटेरियलिटी की डेफिनेशन अगर सुना देना सिर्फ खसूसी तौर पे इनके लिए, भाई जान इधर 100 रुपया इनाम है, सिर्फ एक मटेरियलिटी की डेफिनेशन सुनाने पे। ये हाल है,
ये सिंपल डेफिनेशन नहीं आप याद कर सके, आप पेपर क्या, मैं क्या, मैं कुछ कहते हुए मैं खुद भी डरता हूँ। फिर डेफिनेशन सुना दे, प्राइस नहीं है लेकिन items are considered material if they individually are in aggregate corrected to influence the aakhri wali line suna de, aakhri line suna de, materiality depends on size as well as nature of material. Acha phir kare, how the level of materiality is assessed, how the level of materiality is assessed, materiality kaise assess ki jati hai? नहीं, प्लानिंग ये नहीं पूछ रहा कि किन फेजेस पे यूज होती है, कहते हैं असेस कैसे, असेस मींस डिटरमिन कैसे की जाती है। गलत, आपने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, हालांकि हमें बताना चाहिए क्वांटिटेटिवली भी असेस होती है, क्वालिटेटिवली भी। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव में फार्मूला बताना है, क्वालिटेटिव में कोई दो तीन एग्जाम्पल्स बता दें। चलिए, क्वांटिटेटिव में फार्मूला बता दीजिए कोई, बेंचमार्क इनटू सूटेबल परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन आगे इसका बेंचमार्क क्या हो सकता है? प्रॉफिट इनटू 5%, प्रॉफिट का 5% जो है ये मिले। क्या इसके अलावा कोई और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं? कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं और किस सिचुएशन में? 1% ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल रेवेन्यू किस सिचुएशन में यूज करते हैं? अगर अगर प्रॉफिट रीजनेबल ना हो, नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा सा हो या लॉस हो, उस सूरत में हम प्रॉफिट की बजाय, या हमारा ऑडिट क्लाइंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उस सूरत, या बैंक्स है उस केस में, हम बैंक म्यूचुअल फंड के केस में भी प्रॉफिट की बजाय हम टोटल एसेट्स को बेंचमार्क बनाते हैं। क्वेश्चन 11, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी लेवल रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिटी इन फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ऑडिट, प्लानिंग स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में मटीरियलिटी की क्या अहमियत है, किस लिए यूज होती है? टू असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड इन डिटरमिनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। स्टार्ट में सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट? टू डिटरमिन इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स और इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। बी, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियलिटी शुड बी डॉक्यूमेंटेड बाय एन ऑडिटर इन वर्किंग पेपर्स, मटेरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन। ये भाईजान इनको नींद आ रही, हाँ जी बताइए। मटेरियलिटी लेक्चर नहीं लिया तो फिर क्या लिया, यानी क्या जो लेक्चर का टाइम था क्या करते रहे थे, सोए हुए थे, फिर ऐसे ना करें। जी भाई, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट करेंगे, जो मटेरियलिटी हमने एसेस की है वो ओवरऑल मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर उसमें कोई रिवीजन हुई है वो डॉक्यूमेंट करेंगे, और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट करेंगे। 12, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिस्ट एनी फोर बेंचमार्क्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अलावा और कौन कौन से चार बेंचमार्क हैं? टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, इक्विटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और ग्रॉस प्रॉफिट भी। एक जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट को भी बेंचमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है। थर्टीन, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज फंडामेंटल टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एंड इज कवर्ड बाय ISA 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मैटर दैट आर इमटीरियल आर नॉट रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैटर इमटीरियल हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं किए जाते। वो कह रहा है कि ये मटेरियलिटी डिटरमिन करने की एक रीजन ये भी है। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एंड डिस्क्राइब हाउ मटेरियलिटी अफेक्ट्स द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर्स। अब ये थोड़ा डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता,
ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे जजमेंट और कमेंट्री मांग रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, इतने हिस्से में तो डेफिनेशन आ जाएगी। डिस्क्राइब हाउ मटीरियलिटी इफेक्ट्स द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर। मटीरियलिटी और रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए अगर मटीरियलिटी लेवल हाई डिटरमिन किया जाता है, इसका दूसरा मतलब है रिस्क लो है और ऑडिटर प्रोसीजर कम परफॉर्म करता है। और अगर मटीरियलिटी लेवल लोअर डिटरमिन किया जाए तो ये इंडिकेट कर रहा है रिस्क हाई है, इस सूरत हाल में ऑडिटर ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए मटीरियलिटी और ऑडिट प्रोसीजर का इनडायरेक्टली रिलेशनशिप। 14. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट नीड टू बी कंसीडर्ड। गिव फोर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट। क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट, लास्ट वन इनको हिला, क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स एग्जांपल्स, डिस्क्लोजर्स, मिसस्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर्स, की डिस्क्लोजर हो गया ना बाबा से, अब बार बार ना डिस्क्लोजर फॉर यूजर्स अलग और डिस्क्लोजर फॉर रेगुलेटर, इसके अलावा कोई मजीद एग्जांपल दें, चार सिर्फ पूछे। नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड, मटीरियलिटी विच स्मॉल बट कन्वर्ट्स द प्रॉफिट इनटू लॉस और लॉस इनटू प्रॉफिट, शाबाश। 15. ऑडिट असेसमेंट ऑफ मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में बी डिफरेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्लानिंग द एंगेजमेंट फ्रॉम एट द टाइम इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे नजर है क्या 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 रहा है कि स्टार्ट में जो प्लानिंग है वो जो प्लानिंग स्टेज पे ऑडिट मटीरियलिटी लेवल वो डिफरेंट हो सकती है, और बाद में जो प्रोसीजर परफॉर्म करे उसके बाद वो मटीरियलिटी डिफरेंट यानी रिवाइज हो सकती है। ब्रीफली डिस्क्राइब द रीजंस व्हिच मे लीड टू सच ए चेंज इन द ऑडिट असेसमेंट। बताइए क्या रीजन हुई होगी जिनकी वजह से चेंज होगी होगी मटीरियलिटी। हाँ, वो हर वो अगर वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे मटीरियलिटी डिटरमिन की गई है वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो मटीरियलिटी चेंज। बताइए क्या सर्कमस्टांसिस जिनकी वजह से चेंज हो सकती है। रिवीजन इन रिस्क, शाबाश। और चेंज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, डिस्पोजल ऑफ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 16. सर अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं। हाँ, थोड़ा सा याद करने वाला मटीरियल है, लेकिन याद करने वाला मटीरियल भी वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट डेट डिटरमिन स्कोप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अलावा कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करने वाली भी, छोटी छोटी दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स हैं सिर्फ। तो ये थोड़ा सा आपने हिम्मत करनी है, ये याद हो जाएगा चैप्टर डेढ़ दो घंटे के अंदर, ये पूरा चैप्टर 9 इंशाल्लाह आप याद कर सकते हैं। 16. सज्जाद इज द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ हमीद लिमिटेड HL. अपॉन हिज मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन सज्जाद हैड डिटरमिन द एक्सेप्टेबल मटीरियलिटी लेवल टू बी ₹10 मिलियन एट द इनिशियल प्लानिंग स्टेज। However, at the time of evaluating the result of audit procedures carried out at the interim stage, he has reduced the materiality level to ₹7.5 million. क्या auditing standard ऐसा करने की इजाजत देते हैं? बिल्कुल। Required, identify the possible causes which motivated Sajjad to reduce the materiality level. एक मिनट है जी। Revision in risk, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक। सेकंड, वही ऊपर वाली जो उसने रीजन है वही नीचे पूछ लो, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट में डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन इन द मटेरियलिटी लेवल ऑन ऑडिट रिस्क एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। क्या इफेक्ट होगा मटीरियल रिस्क, क्या मटीरियलिटी कम हुआ, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी
लेकिन उसने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं पूछा, उसने रिस्क और प्रोसीजर इन्हीं दो के बारे में बताई। रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, ऑडिट प्रोसीजर भी इंक्रीज हो जाएगा। सेवनटीन जी जी सर मैं कह रहा हूँ 16 में के जनरल क्वेश्चन जी 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 सर ये मटेरियलिटी जब रिवाइज होती है तो पिछली मटेरियलिटी पे जो हमने काम किया हुआ था वो सब गायब। हाँ शाबाश, जब मटेरियलिटी रिवाइज होती है तो पिछले मटेरियलिटी पे आपने जो काम किया होता है क्या वो ज़ाया हो जाता है? ये क्वेश्चन दूसरे अल्फाज के साथ एक और कंसर्ट में भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो जाएँ तो जो प्रीवियस टर्म्स के मुताबिक काम किया होता है क्या वो ज़ाया हो जाता है? इसका जवाब है अगर तो प्रीवियस वर्क न्यू टर्म्स के मुताबिक भी, न्यू मटेरियलिटी लेवल के मुताबिक भी रेलिवेंट है तो वो ज़ाया नहीं होता, उसे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो न्यू के मुताबिक रेलिवेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब है प्रीवियस ख़त्म। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अगर पहले हमारी मटेरियलिटी लेवल इनक्रीज हो गया, इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब रिस्क कम हो गया, इसका मतलब पहले जो हमने काम किया हुआ था वो हायर रिस्क पे किया था, वो ज़्यादा काम किया हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया, तो इसका मतलब है जो ज़रूरत से ज़्यादा काम किया वो ज़ाया हो गया। लेकिन अगर यही मटेरियलिटी लेवल इन जो डिक्रीज़ हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क अब इंक्रीज हो गया, पहले हमने लोअर रिस्क पे जितना काम किया था उससे ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो अब इसका मतलब है पिछला काम भी रेलिवेंट है लेकिन अब हमें मजीद काम करने की जरूरत है। तो इन शॉर्ट जब कभी ऑडिट में टर्म्स या कोई भी चीज रिवाइज हो तो प्रीवियस वर्क में और मे नॉट बी रेलिवेंट, अगर वो रेलिवेंट है आप उसको रिवाइज टर्म्स के मुताबिक यूज कर सकते हैं, वरना वो आपके लिए इरेलीवेंट होगा। प्रैक्टिकली हम इरेलीवेंट होने के बावजूद भी उसे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेते हैं कि चलो काम कर तो लिया है ना, बजाय ये कि वही काम फाड़ के फेंक दें। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, बाद में पता चला ये तो सिलेबस में था ही नहीं, या सिलेबस रिवाइज कर दिया आई कैप ने मिड ऑफ द सेशन और कहा ये स्टैंडर्ड निकल गया है, कि आपने जो नोट्स बनाए होंगे उस स्टैंडर्ड के खुद सोचे कॉमन सेंस क्या कहती है, वो आप फाड़ के फेंक देंगे? नहीं, आप उसको संभाल के रख लेंगे, आप कहेंगे इसमें भी फ्यूचर में सीफैप लेवल पे जाके काम आ जाए, वहाँ पे होगा ये चैप्टर, अभी आई क्या हमने सिलेबस से निकाल दिया उधर शामिल होगा, उधर संभाल के, तो हम भी एहतियातन संभाल लेते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते। लेकिन स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यू टर्म्स पर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक रेलिवेंट हो भी सकता है और सम टाइम रेलिवेंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर ऑडिट से टर्म रिवाइज करके रिव्यू पे जाए तो कुछ वर्क ऐसा होगा जो कि इरेलीवेंट हो जाएगा, लेकिन अगर रिव्यू ऑडिट पे जाए तो प्रीवियस सारा वर्क भी रेलीवेंट है, जाना जाए कोई इशू नहीं, प्रीवियस सारा वर्क भी रेलीवेंट होगा और जो न्यू एंगेजमेंट टर्म्स के मुताबिक एडिशनल काम भी करना पड़ेगा। डिस्कस द टर्म, सॉरी, यू आर द ट्रेनिंग मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रिपेयर ब्रीफ प्रेजेंटेशन फॉर न्यूली इंडक्टेड ट्रेनी ऑन मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यानी क्या बताना है, मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन जो आपने याद की होगी। 18, डिस्कस द टर्म परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन में ही पर्पस भी है, टू रिड्यूस। हाँ शाबाश, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन आपको याद होगी। हाँ शाबाश, ये किताबें बंद जो पूरी डेफिनेशन सुनाएगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, दोनों पैराग्राफ, दोनों पूरी पूरी का मतलब दोनों है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आपने चूंकि प्राइज ले लिया तो मैं थोड़ा इनको इनकरेज करना चाह रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स को। जी, अमाउंट सेट बाय ऑडिटर नहीं, कोई नहीं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल टू रिड्यूस द रिस्क सो दैट
that the aggregative fund correcting misstatement does not exceed the to reduce the risk. इसके आगे नॉट का वर्ड है कि नहीं, ध्यान से सोच के बताइए. नॉट का लफ्ज नहीं है ये, आप इंग्लिश की मार खाते हैं. उसमें जब उसने कहना है टू रिड्यूस द रिस्क, तो उसके बाद रिस्क बताना है ना. रिस्क ये है कि मिसस्टेटमेंट एक्सीड करेंगी. रिस्क ये नहीं है कि मिसस्टेटमेंट एक्सीड ना करें. रिस्क को रिड्यूस करना है ना. जी मेरे भाई आप बताइए. मैंने उन्हें याद भी की हुई है, याद भी किया. Performance materiality also refers to the amount set by auditor is less for particular class of transactions, account balance or. शाबाश. चलें कुछ बारह 80% तक ठीक है. शाबाश. तो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन, और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि दूसरा पैराग्राफ भी आपने याद करना है. नेक्स्ट, अब कुछ जरा केस स्टडीज. ना 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 ना, अभी टाइम है भाई, केस स्टडी के ऊपर तो आइए. अच्छा ये क्वेश्चन मैंने करा. अच्छा कल आपके लिए करो, अभी ना चाय का अरेंजमेंट नहीं है. कल क्लास के मैं इंशाल्लाह स्टार्ट में आपके साथ. नहीं नहीं कल नहीं पढ़ लेंगे, अभी ये करते हैं. कल तो कल वाला पढ़ेंगे ना. अच्छा रिक्वायरमेंट में देखिए क्या कह रहा है. ब्रीफली डिस्कस द कंक्लूजन मेड बाय द ऑडिट जूनियर रिगार्डिंग मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एरर. कह रहा है कंक्लूजन बताइए मटेरियलिटी और रिकॉर्डिंग ऑफ द एरर के बारे में. जो जूनियर का कंक्लूजन है क्या वो ठीक है. इसका मतलब है क्वेश्चन में उसने कुछ फैक्ट्स हमें बताए होंगे और किसी जूनियर ने किसी कंक्लूजन पे पहुंचा होगा, और जूनियर जब कभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचे समझ आए वो गलत है, अक्सर गलत ही होगा. आपने बताना है कि उसने क्या गलती की है. जी यूर फॉर्म इन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ टीक पाकिस्तान लिमिटेड टीपीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020. During the final review of audit work, your audit team informed you that TPL uses a third party software for its payroll. Client एक software इस्तेमाल करता है payroll की calculation के लिए. अच्छा जब client कोई IT system use कर रहा हो, वो IT system client के internal control का हिस्सा बन जाता है, हमें उस सिस्टम को भी सॉफ्टवेयर को भी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये मेन शायद मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बताया था, ये जहन में रखिएगा. जब कभी क्लाइंट किसी भी आईटी सिस्टम को यूज़ करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग के लिए, एज ऑडिटर वो सॉफ्टवेयर हमारे स्कोप में शामिल हो जाता है कि हमें उस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी को, उसकी प्रोसेसिंग को चेक करना है कि ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली करेक्टली प्रोसेस हो रही है कि नहीं. तो बताइए इस सिचुएशन में क्या इस सॉफ्टवेयर को भी चेक करना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर से जो ट्रांजैक्शन सैंपल बेस पे हम वो चेक कर लें तो काफ़ी है. बताइए सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग को भी यूज़ करना. जिस तरह हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बल्कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से गुजर के बनती है उसको भी टेस्ट करते हैं, तो उसी तरह पेरोल की कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर है. हम सिर्फ पेरोल की कैलकुलेशंस नहीं उनकी प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना है हमने. हम आगे केस स्टडी में देखेंगे अगर उसने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की बात की हुई तो ठीक, अगर नहीं टेस्टिंग हो रही तो हम अपनी अप्रोच में रिकमेंड कर देंगे कि आपको इस सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना चाहिए. यह बात जहन में रखिएगा. आगे चलते. वाइल चेकिंग द टैक्स कैलकुलेशन दे आइडेंटिफाइड एन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ मंथली टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी. उन्होंने देखा कि जो सैलरी से डिडक्शन हो रही है वो सही नहीं हो रही, एरर है उसमें. टैक्स की सैलरी से जो टैक्स की डिडक्शन हो रही है हर महीने होती है ना डिडक्शन, कहते हैं वो ठीक नहीं हो रही. ऑडिटर जूनियर हु परफॉर्म द टेस्ट एक्स्ट्रापोलेटेड द. एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब क्या होता है भला,
के हाँ जी के फॉर एग्जांपल हाँ सैंपल से हम पॉपुलेशन या स्मॉल अमाउंट से कंप्लीट प्रोजेक्शन करना, जैसे बाज़ का जब हम क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना इंटायर वर्ल्ड में, तो हमारे पास 10 महीनों का इनकम और एक्सपेंस होता है, लेकिन हमें तो मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए पूरे साल का प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं भला, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गया था तो इंटायर ऑडिट कर रहे थे, उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट लाइफ में एक्स्ट्रापोलेशन की टर्म नहीं सुनी थी, तो मैंने पूछा था एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि 10 महीनों का क्लाइंट का ना हम उस वक्त था रिस्क असेसमेंट करनी थी, तो मैं परेशान होकर सीनियर के पास गया था कि सर इस साल का तो 10 महीनों का डाटा है हमारे पास एक्सपेंस का, उसे जब मैं पिछले साल के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करता हूँ ना तो हर एरिया में एक्सपेंस कम ही आ रहे हैं, क्योंकि 10 महीनों के एक्सपेंसेस 12 महीनों से कम ही होंगे। तो फिर उस वक्त सीनियर ने मुझे समझाया था कि आपने एक्स्ट्रापोलेशन नहीं की, पहले एक्स्ट्रापोलेशन करें फिर कंपेयर करें। उन्होंने कहा एक्स्ट्रापोलेशन क्या, उन्होंने कहा जो एक्सपेंस 10 महीनों का उसे डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 करें फिर कंपेयर करें तो आपकी सही रिस्क असेसमेंट होगी। तो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ही, तो उसने एक जो भी एक दो महीनों का या सैंपल बेस पे जो भी उसने रिजल्ट निकाला है उसकी एक्स्ट्रापोलेशन की ओवर द एंटायर पॉपुलेशन, प्रोजेक्शन कर दी, ये अच्छा काम किया उसने। प्रोजेक्शन होनी सैंपल, जब कभी सैंपलिंग कर रहे हो प्रोजेक्शन होनी चाहिए। दिस रिजल्टेड इन एन ओवरऑल शॉर्ट डिडक्शन ऑफ रुपीज 920,000 तकरीबन। शी कंक्लूडेड दैट द एरर वाज नॉट मटेरियल बिकॉज दिस अमाउंट वाज लेस देन द ऑडिट मटेरियलिटी सेट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ रुपीज 1,000,000। इस एक सेंटेंस में दो गलतियां हैं। हाँ शाबाश। एक तो ये कि जब एरिया लेवल पे काम करते हैं ना प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अब ये फौरी तौर पे समझ में नहीं, क्योंकि रिपोर्ट की केस स्टडी की होती है ना, तो रिपोर्ट की केस स्टडी में ओवरऑल मटेरियलिटी दे रहा होता है, तो फिर यहाँ पे भी हमें लग रहा होता है कि कोई मसला नहीं है अगर उसने इसे ओवरऑल मटेरियलिटी के साथ कंपेयर कर लिया। हालांकि अब चूंकि हमें अगर वो हमसे रिपोर्ट पे इफेक्ट पूछता ना फिर हम ओवरऑल के साथ ही कंपेयर करते, फिर हम ना ये कहते कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करो, ना ना फिर ना कहते, लेकिन अब चूंकि हमसे वो कह रहा है इसमें से एरर आइडेंटिफाई करो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट नहीं पूछ रहा, तो इसलिए हम जो मटेरियलिटी लेवल यूज करेंगे वो रिपोर्ट वाला ओवरऑल नहीं है, वो कौन सा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल यूज करें। और दूसरी गलती क्या है जो उसने कहा है कि ये तो इमटेरियल है, एक तो ये हो गया ना कि उसे ओवरऑल नहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ, या वो जो दूसरा कंसेप्ट है सैम्पलिंग टॉलरेबल टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए, एक ही बात है ना, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ और अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो टॉलरेबल मिस, यानी इसे ओवरऑल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। पहली गलती भी एग्री करते हैं, दूसरी गलती क्या है कि है ये इमटेरियल लेकिन इंडिविजुअली इमटेरियल इन एग्रीगेट या क्वालिटेटिवली मटेरियल हो तो इसे वो कंपैरिजन कंसीडरेशन किए बगैर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे, ये वही गलती है जो आप केस स्टडी में करते हैं। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गई फौरन कह दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन, उसने भी बल्कि उसे क्या करना चाहिए इसे इन एग्रीगेट और क्वालिटेटिव बेसिस पे भी डिटरमिन करना चाहिए। और आगे मुझे ये बताइए कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एग्रीगेट या क्वालिटेटिव बेसिस पे मटेरियल है कि नहीं, उसने बताया होगा नेचर, बताइए नेचर में से वो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे रेलिवेंट है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जो टैक्स रिडक्शन है ना ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इसमें लॉ की वायोलेशन हो रही है इसलिए ये क्वालिटेटिव बेसिस पे मटेरियल है। क्लियर, तीन गलतियां हो गई, कौन कौन सी, एक तो अभी हमारी पेंडिंग है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की कि नहीं की, दूसरी उसने कंपेयर किया तो ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल के साथ किया, और तीसरी गलती नॉन कंप्लायंस लॉज रेगुलेशन। फिर फर्दर शी डिस्कस दिस मैटर विद टीपीएल्स मैनेजमेंट हु हैज एग्रीड टू डिडक्ट द डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम सैलरी ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड विल डिपॉजिट इट इनटू गवर्नमेंट एक्सचेकर, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। देयरफॉर शी कंक्लूडेड दैट नो काउंटिंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। वो कहते हैं कि जी जितना डिफरेंस है ना 9,20,000 का ये हम डिपॉजिट करवा देंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में,
अब बताइए क्या ये 9,20,000 डिपॉजिट कराने से सारा मसला हल हो जाएगा? अब यहाँ पे कंफर्म क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे कंफर्म हो गया कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं हो रही। खुद जरा सोचिए, ये मिसस्टेटमेंट ठीक कर भी दे तो क्या अगले सॉफ्टवेयर को तो नहीं छेड़ा ना? हालांकि उन्हें सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना चाहिए था और इसमें जो प्रोग्रामिंग एरर है उसको ठीक करना चाहिए था, एरर जिस वजह से हो रहा है। अब ट्रांजैक्शन को ठीक कर दिया अगर, लेकिन जिस वजह से एरर हुआ उसको ठीक नहीं किया, अगले महीने क्या फिर यही एरर नहीं हो रहा होगा? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये तीन एरर हमने बता दिए, सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं किया, ओवरऑल डीएलटी के साथ कंपेयर किया उसने और जो कि गलत है, और दूसरा क्वालिटेटिव और एग्रीगेट वाले एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया इमटेरियल का डिसीजन करते हुए। सजेशंस क्या है आपकी? पहली सजेशन सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, दूसरी सजेशन के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पेरोल में इंक्रीज कर दे। क्यों भला इंक्रीज कर दे? क्योंकि अदर मंथ की ट्रांजैक्शन भी अब एक्सपेक्टेड है कि गलत होंगी, और फिर इसके अलावा क्या करें? इसी में वो भी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल फर्दर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके वो रीचेक कर ले। और कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग हो गई, इसके अलावा रिस्क इंक्रीज हो गया हमारा, और क्या सजेशन हो सकती है इसमें? दो सेशन काफी है, हाँ कंट्रोल इसको इंक्रीज कर दिया हमने, चले बस ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये अच्छा ये जहन में रखिएगा, एग्जाम में बैठ के ये सारी बातें पहली दफा केस स्टडी पढ़ के आपके जहन में नहीं आएंगी, ठीक है? हाँ दो दफा पढ़ने काफी है, दो दफा पढ़ने काफी है, दो दफा पढ़ने से एवरी स्टूडेंट जिसने सिलेबस को कंप्लीट किया है दो दफा केस स्टडी पढ़ने से उसकी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और पॉइंट्स उसके जहन में आ जाते हैं। कोई भी केस स्टडी याद रखे, लिखी पढ़ी बात है, कोई भी केस स्टडी पहली एक ही दफा पढ़ के आप उसको करेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, कंफर्म बात कर रहा हूं तजर्बे की बुनियाद पे। कोई भी केस स्टडी पहली दफा पढ़ के आप उसको ठीक अटेम्प्ट नहीं कर सकते, दूसरी दफा केस स्टडी पढ़े हमेशा कोई ना कोई नई बातें भी आपको उस वक्त दूसरी दफा में रीडिंग करते हुए पता चलती है। तो जब कभी एग्जाम में केस स्टडी, एक तो मैंने आपको ये बार बार लेक्चर के दौरान में भी बताता हूँ कि आपने रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है दो तीन दफा, फिर उसके बाद जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ना उसको भी अटेम्प्ट करने से पहले आपने कम से कम दो दफा जरूर पढ़ी है, ठीक है? इसमें 5-7 मिनट लग जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वक्त जाया नहीं होता हमारा, लेकिन हमारे सामने पॉइंट्स आ जाते हैं। आप थोड़ा सा कम लिख लें लेकिन सही लिखें, और ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि ऑडिट के पेपर में मैंने नहीं देखा कि कोई स्टूडेंट आके ये कहता हो सर टाइम कम था। न्यूमेरिकल पेपर में अक्सर ये कंप्लेन करते हैं स्टूडेंट कॉस्ट में या एफर्ट टू में कि सर पेपर इस दफ़ा जो है ना बड़ा लेंथी था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सके, लेकिन मैंने ओवर द ईयर्स ऑडिट के बारे में कभी ये कंप्लेन नहीं सुनी कि किसी स्टूडेंट ने ये आके कहा हो कि सर टाइम कम था, पेपर लेंथी था और हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सके। बड़े आराम से 2.5 घंटे में हो जाता है, 2.5-3 घंटे में। तो इसलिए इसको दोबारा रीड करने में आप ये ना समझे टाइम ज़ाया होगा और कि क्वेश्चन आपका रह जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये छोटा सा क्वेश्चन, वैसे 6 भी है, 6 नहीं करो, अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ये वाला कल करवा दूंगा बड़ा लेंथी वाला, ये कर लें, ये 5-7 मिनट से और इजी है, इजी है। और लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं, लेटेस्ट नहीं है, 2020 है, लेकिन ज्यादा पुराना भी नहीं है। अच्छा फिर जिस दिन मैं अभी ये थोड़ी देर में ये तो हर करवाने ये क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन मैं फिर चाय भी लाऊंगा ना उस दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा बिठाऊंगा आपको, मंजूर है? और जिस दिन बिरयानी होगी उस दिन 1 घंटा मंजूर है? ठीक है, ठीक है, डन डन होगी डील मेरी, आपकी डील डन होगी, ठीक।
चले अभी फिलहाल ये क्वेश्चन तो करते हैं ना। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बेंचमार्क यूज्ड बाय योर टीम इन डिटरमिनिंग द मटेरियलिटी एंड सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू योर टीम। वही जो बेंचमार्क मटेरियलिटी के डिफरेंट बेंचमार्क आप पढ़ते, कभी प्रॉफिट आ जाता है, कभी टोटल रेवेन्यू, कभी टोटल एसेट्स, कभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कभी 1%, कभी 5%। कह रहा है उस कंसेप्ट का इम्तिहान है आपका केस स्टडी में। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ट्रोजन लिमिटेड। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। रेवेन्यू है 12,000 million, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72 million, टोटल एसेट 13,000 million, टोटल लाइबिलिटी 7,000 million। कोई अब नॉर्मल फिगर लग रही है आपको इसमें? प्रॉफिट बिफोर सारी अब नॉर्मल है, प्रॉफिट के अलावा है 72, ये अनयूजुअली लो फिगर लग रही है फिलहाल। आगे चल के देखते हैं, शायद मजीद कोई इंफॉर्मेशन उसने बताई हमें। सिंस दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज क्वाइट लो। अब कंफर्म भी कर दिया उसने कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही लो है। हाउएवर एज पर मैनेजमेंट प्रोजेक्शन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर द नेक्स्ट 3 years, कि अगले 3 सालों में ये रीजनेबल हो जाएगा। कोई भी बिजनेस होता है स्टार्ट में प्रॉब्लम, फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर ऑपरेशन है, स्टार्ट में टाइम लेता है ग्रो करने में। कहता है अभी प्रॉफिट बहुत कम है, हमें भी पता है, लेकिन लॉस नहीं हुआ यही बहुत है, अगले सालों में इंक्रीज होगा प्रॉफिट, लेकिन इस साल का प्रॉफिट अनयूजुअली लो है। ये इंफॉर्मेशन हमें तो एक ऊपर फिगर से भी अंदाजा हो गया था, और फिर नीचे भी उसने क्वाइट लो के लफ्ज हमें बता दिया। हाउएवर एज पर मैनेजमेंट, ठीक है, योर ऑडिट टीम हैज डिटरमिन द मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। In view of the audit team, profit before tax is the main performance indicator for TL's board of directors. वो कह रहे हैं ये board of directors के लिए main performance indicator है। Discuss the appropriateness of benchmark. क्या सही benchmark? Justify करवाएं क्यों सही नहीं है? क्योंकि profit unusually low है। ठीक है, प्रॉफिट अनयूजली, अगर प्रॉफिट बहुत कम हो या लॉस हो ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए। किसको बेंचमार्क बनाना चाहिए? टोटल रेवेन्यू। तो हम पहले ये कमेंट करेंगे कि ये डिसीजन गलत है प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाने का। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, अच्छा एक जगह पे कमेंट्री करते हुए वो कहता है कि अगर पिछले सालों में प्रॉफिट सही था, मैं रीजनेबल था, इस साल प्रॉफिट लो हो गया अनयूजुअली, आप स्टिल प्रॉफिट को बेंचमार्क बना सकते हैं, लेकिन किस प्रॉफिट को? पिछले सालों के एवरेज को। इसको भी बेंचमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है कि चलो इस साल प्रॉफिट नहीं है, पिछले सालों के प्रॉफिट, लेकिन इसमें तो हम पिछले सालों के प्रॉफिट को भी बेंचमार्क नहीं बना सकते। क्यों? अब फिर क्या बेंचमार्क होना चाहिए, सजेस्ट करें। अब आपने देखा कि वो अक्सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी उसने हमें ये भी पूछा था कि एरर्स बताओ, और बाद में ये भी पूछा था कि सजेशंस भी दो कि क्या होना चाहिए। अक्सर केस स्टडी में वो जब आपसे एक पूछता है कि आप अपने कमेंट दो, इसका मतलब है केस स्टडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और हमने अपने कमेंट में उस गड़बड़ की निशानदेही तो करनी ही है। ये चीज सजेशन भी देनी है, केस स्टडी समझ आना शुरू हुई, अब सजेशन भी देनी है कि क्या। तो बताइए क्या सजेशन देते हैं आप? रेवेन्यू या टोटल एसेट्स का 1% यूज करना चाहिए मटेरियलिटी को, ताकि एक रीजनेबल मटेरियलिटी कैलकुलेट हो। टोटल रेवेन्यू भी यूज कर सकते हैं, टोटल एसेट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर बेंचमार्क 1% होगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम प्रॉफिट को ही, एक टर्म होती है हमारे ऑडिट में अंडर ऑडिटिंग या ओवर ऑडिटिंग। अंडर ऑडिटिंग का मतलब है जरूरत से कम प्रोसीजर परफॉर्म करना, ऑडिट प्रोसीजर कम परफॉर्म। ओवर ऑडिटिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना।
जरा बताइए, अगर हम इस सिचुएशन में प्रॉफिट को ही बेंचमार्क बनाएं तो अंडर ऑडिटिंग कर रहे होंगे या ओवर ऑडिटिंग? यानी सैम्पलिंग, आपको याद है वो सैम्पलिंग में हमने एक कंसर्ट पढ़ा था, टू टाइप ऑफ कंक्लूजन, एक में पढ़ा था एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, एक में पढ़ा था इफेक्टिवनेस। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करें ना, इससे ऑडिट एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, और अगर जरूरत से कम प्रोसीजर परफॉर्म करें इफेक्टिवनेस के कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इस केस में बताइए, अब देखें मटीरियलिटी कम होगी अगर प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, मटीरियलिटी कम होगी, रिस्क ज्यादा होगा, प्रोसीजर भी ज्यादा, ओवर ऑडिटिंग का रिस्क होगा। तो यहां पे प्रॉफिट को नहीं बेंचमार्क बनाना चाहिए, ओवर ऑडिटिंग प्रोसीजर कर करके मर जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब घर जाके अभी नहीं पढ़ा नहीं रहा, घर जाके आपने एक काम करना है। ये क्वेश्चन है, ये असल में हम, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का और रिस्क वाला, ये उसकी बेस बनाएगा ये क्वेश्चन। इसमें रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है, उसने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी हुई है, रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है। ऑडिट स्ट्रेटजी में बहुत से सेक्शन होते हैं जो हमने बनाने होते हैं, जैसे करेक्ट स्कोप, शाबाश, के क्या, टाइमिंग, डायरेक्शन, रिसोर्स, शाबाश। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम जो सेक्शन है वो है डायरेक्शन, कि किन एरियाज के ऊपर आप फोकस करेंगे। ये सारे एरियाज आपके सामने, ये इंफॉर्मेशन भी दी है उसने, इससे पहले एरियाज हैं आपके सामने हैं, किन एरियाज में, तो इसका एक तो जवाब है मटेरियलिटी कैलकुलेट करके देखेंगे, जो जितने ज्यादा मटेरियल होंगे। लेकिन दूसरा है रिस्क, और मैं चाह रहा हूं कि आप ऑडिट स्ट्रेटजी बाकी की चीजें सिर्फ पढ़ लें, बाकी की चीजें इसके सोल्यूशन में सिर्फ पढ़ लें कि ऑडिट स्ट्रेटजी के स्कोप वाले सेक्शन में क्या लिखा जाएगा, टाइमिंग वाले में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, डायरेक्शन वाले में क्या, रिसोर्सेज में क्या लिखा जाएगा। लेकिन जो रिस्क वाला सेक्शन है ना, रिस्क वाला, वो आप रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के और प्रीवियसली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख के किस में रिस्क ज्यादा लग रहा है, ठीक है, किस में रिस्क ज्यादा लग रहा है। जैसे बजाहिर मुझे, अब मैं भी अभी देख रहा हूं, मैंने इसका सोल्यूशन नहीं अभी देखा, लेकिन मुझे ये देख के लग रहा है के, नहीं एक मिनट है, के रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट है वो सेम है, हालांकि सेल्स बढ़ने से सेलिंग कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए, तो इससे मुझे लग रहा है कि सेलिंग कॉस्ट कोई गड़बड़ है। सोचना है आपने ऐसे, फिर आपने फिर नीचे इन्वेंट्री, ओए इन्वेंट्री पिछले 1278 इतनी ज्यादा, अच्छा पहले देख लूं साल कौन सा है, हाँ ये लास्ट ईयर ही है, क्योंकि अगर ये 2004 होता ना, एक क्वेश्चन में इस तरह हमेशा इधर 2004 और इधर 2005 लिखता था, एक क्वेश्चन में उसने इधर 2004 इधर 5 लिख दिया, तो मैं जब कर रहा मैं रूटीन में ऐसे ही कि कंपैरेटिव हमेशा पिछला साल ही होता है, हालांकि वो क्वेश्चन जब बना रहा है उसके ऊपर लाजमी तो नहीं है कि इधर ही 2004 लिखे, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम तसल्ली कर लें, लेकिन इसमें बहरहाल उसने ठीक लिखा 2004। अनयूजुअल चीज नजर आ रही है तो रिस्क है, इसमें अनयूजुअल वेरिएशन नजर आ रही है। देखिए हमारा एक जनरल रूल होता है रिस्क असेसमेंट में, पूरी इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है ना, या इन शॉर्ट अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हमारे क्लाइंट को भी उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए, अगर पूरी इंडस्ट्री तबाह हुई है हमारे क्लाइंट को भी तबाह होना चाहिए। ये तो नहीं कोरोना की वजह से सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लॉस रिपोर्ट कर रही है और हमारा क्लाइंट टेक्सटाइल वो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है,
वो डिफरेंशिएशन लेके आ गया होगा स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म के साथ सोचना। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन क्या जस्टिफाइड है, हमने ऐसे सोचना। उसने कोई काउंटिंग पॉलिसी चेंज की होगी क्या, काउंटिंग पॉलिसीज जस्टिफाइड है। तो पहला कंसेप्ट, जब सेल्स पूरी इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही हो ना, हमारे क्लाइंट को भी इसी लिहाज से। अब किसी क्वेश्चन में कहेगा इंडस्ट्री सारी फारग है और हमारे क्लाइंट ने 10% ग्रोथ रिपोर्ट की है, वो भी रिस्क है। किसी में कहेगा इंडस्ट्री 5% ग्रोथ रेट है, हमारे क्लाइंट का 12% है, वो भी रिस्क है। ठीक है, पहली चीज ये आपने देखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर सेल्स बढ़ भी गई ना, तो उस लिहाज से बाकी के एक्सपेंसेस और एसेट्स भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है ना, आपका हर अकाउंट की फिगर चेंज होती है। सेल्स पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्राइविंग फोर्स होती है। सेल्स बढ़े तो आपके डेटर्स भी बढ़ने चाहिए, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने चाहिए, आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमने अब सेल्स ऊपर बढ़ रही है लेकिन फिक्स एसेट कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री कम हो रही, ये एक रिस्क है। इन्वेंट्री में मुझे लग रहा है कौन सा रिस्क है, कंप्लीटनेस का, कंप्लीटनेस का, क्या लगता है कंप्लीट इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। और रिसीवेबल में बढ़ रहे, इसका मतलब है इनसे कलेक्शन नहीं हो रही। देखिए, इस तरह आपने कंपेयर करके सोचते रहना है। और फिर नीचे भी कोई कुछ इन्फॉर्म, कुछ रिस्क होते हैं नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं इंफॉर्मेशन से, वर्ड से आइडेंटिफाई। जैसे यहां पे एक जगह पे उसने कह रहा था मैंने डायरेक्टर को सेल किया, ये वन ऑफ द डायरेक्टर परचेज्ड ए यॉट ड्यूरिंग द ईयर, रिस्क है इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। समझ रहे हैं, कुछ भी ना करें, चाहे सिर्फ रीडिंग कर लें और टिक लगा लें, इसमें ये रिस्क है, इसमें ये रिस्क, ये काम, और एक दफा सोल्यूशन पढ़ लें। अगर आप कुछ भी ना आइडेंटिफाई कर सके लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो मुझे कल बेस बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट हमारा आखिरी बड़ा चैप्टर है 2, इसके बाद ऑडिट बड़ा स्मूथ है, हफ्ते में खत्म हो जाता है। किसके बाद भला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट के बाद। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट समझे। ठीक है, बी वाले में रिलेटेड पार्टी, यार डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं यार, ऐसे ना करें, डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं, डायरेक्टर ने यार्ड पर कंपनी से की है ना, कंपनी से की है, ऊपर वो बिजनेस देखेंगे ना उसका कंपनी का, तो वो यही है यार्ड। नहीं नहीं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इसने लिखा नहीं हुआ फ्रॉम कंपनी, लेकिन ऊपर कंपनी का बिजनेस उसने यही बताया। ठीक है जी, कर लेंगे डैम। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।